नगर विधायक चौबीस के चुनाव में किस तरीके से? देखिए, उन्होंने चुनाव में मदद हम लोग को नहीं किया, चुनाव से बहुत कटे कटे भी रहे और जितने भी उनके लोग थे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे थे, उन्होंने चुनाव में मुझे मदद नहीं की और उनके कारण जो है हमको बहुत ज़्यादा नुकसान किया। जो पार्टी के प्रति गद्दारी किए हैं, जो पार्टी के प्रति हमेशा जो पार्टी में रहकर भीतरघात किए हैं उन पर भी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर के इंडी गठबंधन समर्थित कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अजय निषाद ने कांग्रेस के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा उनके कारण हुआ ज्यादा नुकसान, विधायक के लोगों ने भाजपा उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। मुजफ्फरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद ने शनिवार को हार की समीक्षा बैठक के बाद हार का पूरा ठीकरा नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर फोड़ दिया है। अजय निषाद ने कहा कि विधायक के लोगों ने भाजपा के लिए वोट मांगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि पार्टी में रहकर भीतरघात करने वालों पर पार्टी कार्रवाई करेगी। दुनिया में सभी लोगों को परिणाम से मतलब रहता है, प्रयास से नहीं। हम लोगों ने सब सामूहिक रूप से प्रयास किया लेकिन दुर्भाग्यवश जो परिणाम हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जितने भी कांग्रेस समेत महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो लोग चुनाव में ईमानदारी से मदद किए, सभी लोग का आभार है। चुनाव में जो पिछला वोट का भी समीकरण आप देखेंगे 2019 का, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा वोट आए। देखिए, जो चुनाव में जीतने का माहौल बनना चाहिए वो नहीं बन पाया। उसके अलावा हम लोग प्रयास करते रह गए कि यहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का एक कार्यक्रम मिल जाए, वो नहीं मिल पाया। अगर उनका कार्यक्रम होता तो परिणाम दूसरा होता, हम दूसरा होते। नगर विधायक चुनाव में किस तरीके? देखिए, उन्होंने चुनाव में मदद हम लोग को नहीं किया, चुनाव से बहुत कटे कटे भी रहे और जितने भी उनके लोग थे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे थे, उन्होंने चुनाव में मुझे मदद नहीं किया। साफ तौर पर कहा कि फसल जब हम लगा रहे हैं तो कोई काट के ले जाए, इस बात का उनको तो उनको तो जो अपना पक्ष रखना चाहिए वो तो केंद्रीय नेतृत्व को रखना चाहिए। टिकट तो हमको केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय राहुल गांधी जी ने दिया था और वो कांग्रेस पार्टी के यहाँ माननीय विधायक थे तो उनका दायित्व बनता है हमको मदद करने का, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने कोई मदद नहीं की और उनके कारण जो है हमको बहुत ज़्यादा नुकसान किया। विधानसभा की तैयारी चल रही है, हम लोग जो अभी जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष आए हैं उनको हमने सभी आग्रह किया है कि अभी से ही बूथ स्तर पर हम लोग टीम बना दें, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर लोकसभा का जो यहाँ पर 6 विधानसभा है उसमें 2 टिकट कांग्रेस पार्टी को मिला था, 1 में जीत मिली थी और सकरा विधानसभा में हार गई, तो हो सकता है चेंज भी हो सकता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम 6 विधानसभा कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से काम करें, पंचायत में टीम बनाए, उसके अलावा बूथ कमेटी तक बनाए। बिहार से बहुत खराब स्थिति रहा, महागठबंधन क्या करना लगता है? बिहार में अच्छा पोजीशन रहा, पिछली बार में 1 सीट जीते थे, इस बार 10 सीट जीते हैं। हालांकि हम लोग का टारगेट 26 सीट का था लेकिन 16 सीट नहीं जीत पाए और सबसे ज़्यादा जो हम लोग का सपोर्ट नहीं मिला वो उत्तर बिहार से नहीं। माननीय तेजस्वी यादव के साथ अगर राहुल गांधी जी घूमते तो उत्तर बिहार का परिणाम कुछ और का, पूरे बिहार का परिणाम कुछ और होता। जिस तरह से अखिलेश जी और राहुल जी यूपी में घूम रहे थे तो हम लोग 35 सीट जीते। डिम्पल का यादव के साथ प्रियंका गांधी जी घूम रही थी, उनके कारण भी बहुत अच्छा माहौल बना। तो बिहार में जो सामूहिक प्रयास होना चाहिए था सभी गठबंधन के नेता का वो नहीं हो पाया, उसके कारण भी हम लोग को हार का जो है नहीं। सब देखिए, गठबंधन में तो सभी नेताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी का सामूहिक प्रयास लेके चलना। हम जीतते जीतते हार गए और जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष लोग जो समीक्षा बैठक में जो बोले हैं उससे साफ है कि औराई विधानसभा में हम 60,000 वोट से माने जीते, लेकिन आज वहाँ जो है 34,000 से हमारी हार हो गई। गायघाट में 50,000 से हार हो गई। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे गठबंधन के साथी हैं जिनको प्रभारी बनाया गया, बड़े भाई के रोल में थे लेकिन वह भूमिका नहीं निभा पाए, और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब बड़ा भाई के रूप में, इसलिए कि वोट उनका ज़्यादा था, इसलिए हम लोग शिष्टाचार ढंग से
बड़े भाई के रूप में उनको मानते रहे। और जो हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता सीपीआई माले सीपीएम वीआईपी आप पार्टी ये सारे लोग जो है हम लोग अगुआ में उन्हीं को लेके चले, लेकिन काकर श्रृंगार पिया मोरे आ रहा माने वह जो है कि जहाँ से हमारी जीत 60,000-70,000 से होती है, औराई से, गाय घाट से, बोछा से, सकरा विधानसभा से, कुरहली विधानसभा से, उस सारे विधानसभा से हम हार गए। और शहर में जहाँ पिछले बार बीजेपी 80,000 वोट से हारी थी, वहाँ हम 54,000 वोट हमको प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी को मिली है। निश्चित तौर पर समीक्षा के जो जो हमारे अध्यक्षगण जो बोले हैं सबका रिपोर्ट बनाकर हम ऊपर में भेजेंगे और उस पर हम लोग मनन करेंगे। और जो पार्टी के प्रति गद्दारी किए हैं, जो पार्टी के प्रति हमेशा जो पार्टी में रह कर भीतरघात किए हैं उन पर भी कार्रवाई। नगर विधायक जी भी कटघरे में है, इसलिए कि हमारे सांसद महोदय जी ने जो प्रत्याशी होकर बोल रहे हैं और जो नगर अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारे लोग यह समीक्षा बैठक में बोले हैं। अब इस यह फैसला प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी और संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी को करना है। यह सारा समीक्षा बैठक का रिपोर्ट हम जमा करें। बैठक में उपस्थित नहीं थे नगर विधायक? नहीं, उनको बुलाया नहीं गया। क्या नाराजगी? नाराजगी सब आप लोग जान रहे हैं। नाराजगी पार्टी एकदम कार्रवाई करेगी। वो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी हमारे जो बिहार के हैं और संगठन प्रभारी जो वेणुगोपाल जी हैं वो निश्चित तौर पर जो है करेंगे। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।